हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस हेयर फॉल सीरीज़। मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शीतल आयुर्वेदा कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डैंड्रफ पर आपके लिए एक डिटेल वाला वीडियो बनाया था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि अलग अलग कारणों से होने वाले डैंड्रफ, उन पर ली जाने वाली चिकित्सा, उसके लक्षण या फिर ट्रीटमेंट रेमेडीज, ये सब बताया था। तो जैसे कि अलग अलग कारणों से जो डैंड्रफ होते हैं, उनकी वजह से जो हेयर फॉल रहते हैं, तो सबसे पहले आज के हमारे इस वीडियो में हम यही देखेंगे, उसके डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि डैंड्रफ में तीन टाइप्स रहते हैं, ऑयली डैंड्रफ, ड्राई डैंड्रफ और इन्फेक्शियस डैंड्रफ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इन्फेक्शियस डैंड्रफ के जो टाइप्स है, तीन टाइप्स, उसके भी तीन टाइप्स रहते हैं, वो यहाँ पर आज हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयली डैंड्रफ जो रहता है वो विंटर सीजन में होता है, ड्राई डैंड्रफ रहता है वो, फ्रेंड्स जैसे कि ऑयली डैंड्रफ रहता है वो रेनी सीजन में होता है, ड्राई डैंड्रफ जो रहता है वो विंटर सीजन में होता है, और जो इन्फेक्शियस डैंड्रफ है वो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन आपके स्कैल्प में होकर उससे जो डैंड्रफ होता है उसे कहते हैं हम इन्फेक्शियस डैंड्रफ। तो इसके भी तीन टाइप्स रहते हैं, जैसे कि सेबोरिक डर्माटाइटिस ऑन स्कैल्प, सेकंड नंबर पर आता है सोरियासिस ऑन स्कैल्प, और थर्ड नंबर पे आता है रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के पहले आपको हमारे वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम हर एक प्रकार के डैंड्रफ के लिए आपको मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा के अनुसार ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर सुझाने वाले हैं, उसके लक्षण बताने वाले हैं, किस तरह से हेयर फॉल को हम इस ट्रीटमेंट के द्वारा रोक सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। साथ में कुछ होम रेमेडीज भी हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के अंत में। इसीलिए आपको आज का हमारे वीडियो आखिर तक देखना है। और हाँ, चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन के ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी सही समय पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारी वीडियो का टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डैंड्रफ एंड रिलेटेड टू हेयर फॉल एंड देयर ट्रीटमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप्स आता है वो है सेबोरिक डर्माटाइटिस ऑन स्कैल्प। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आयुर्वेदा ने इसके लिए हमें कौन सी कंसेप्ट बताई है, उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस ने हमें इसके लिए कौन सी कंसेप्ट बताई है, दोनों में कौन सी अलग अलग ट्रीटमेंट सुझाई है, ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा के अनुसार सेबोरिक डर्माटाइटिस को कहते हैं दारुणक। हमारे शरीर में जब भी किसी कारणवश वात और कफ, ये दोनों दोष दूषित होते हैं, और इन दोनों दूषित दोषों का जब कॉम्बिनेशन बन के ये कॉम्बिनेशन हमारे स्कैल्प पर जाता है, और वहाँ पर जाकर यह आपके स्कैल्प को बहुत ही ड्राई बना देता है, और वहाँ पर एकदम ऐसे फाइन लाइंस तैयार कर देता है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में आपको खुजली होती है, सफ़ेद पपड़ी जैसा निकलना शुरू होता है, जिससे कि आपको दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आपके स्कैल्प में हो रहा है, और उस स्कैल्प और उस डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा के अनुसार ये जो दारुणक या सेबोरिक डर्माटाइटिस है, इसे कष्टसाध्य व्याधि कहते हैं, मतलब जो ठीक होने में बहुत कठिन है, या जिसको ट्रीटमेंट लेते वक्त बहुत ही लॉन्ग टर्म में जिसकी ट्रीटमेंट चलती है, ऐसी ये बीमारी है, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट लेने के बाद ही ये ठीक होता है, इसीलिए इसे आयुर्वेदा में कष्टसाध्य व्याधि कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस के अनुसार मॉडर्न साइंस ने इसकी क्या कंसेप्ट रखी है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस के अनुसार सेबोरिक डर्माटाइटिस में आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आती है, और सेबोरिक मतलब वहाँ पर जो सीबेशियस ग्लैंड रहती है वो ज़्यादा मात्रा में सीबम का प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन आपकी बहुत ऑयली हो जाती है। और सेबोरिक डर्माटाइटिस ये एक स्किन डिसीज ही है, इसीलिए ये उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पर सीबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, जैसे कि सबसे पहले आपके सर का स्कैल्प, वहाँ पर सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पे सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है, और स्कैल्प पर होने की वजह से हम इसे कहते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस ऑन स्कैल्प। उसके बाद ये होता है आपके आपके नॉस्ट्रिल के दोनों साइड में सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है, आपके बेयर्ड एरिया में होता है, बगल में होता है, छाती पर होता है, मतलब जहाँ जहाँ भी सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है वहाँ वहाँ पर सेबोरिक डर्माटाइटिस तैयार होता है, ये बीमारी तैयार होती है। और फ्रेंड्स, जब भी सेबोरिक डर्माटाइटिस आपके स्कैल्प पर होता है
तो जितनी ज़्यादा ये बीमारी आपके स्कैल्प के अंदर तक जाती है, जितनी ज़्यादा डर्मिस के लेयर को ये क्रॉस करती है, उतना ही ज़्यादा मात्रा में डैंड्रफ तैयार होकर मैसिव हेयर फॉल आपको दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्फेक्शियस डैंड्रफ है, इसमें हर प्रकार के डैंड्रफ में लक्षण अलग अलग रहते हैं, इसीलिए हर इन्फेक्शियस डैंड्रफ के टाइप्स में ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहती है, ताकि आपका हेयर फॉल जल्दी से रुक जाए, ये बीमारी कंट्रोल में आए और हेयर फॉल आपका रुक जाए। इसलिए हर टाइप्स की ट्रीटमेंट अलग अलग रहती है मॉडर्न साइंस के अनुसार, और आयुर्वेदा में इसमें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट सुझाई है हर प्रकार के टाइप्स के लिए। तो फ्रेंड्स, सेबोरिक डर्माटाइटिस जब भी होता है मॉडर्न साइंस के अनुसार, सबसे पहले हम इसके कारण देखेंगे। तो सेबोरिक डर्माटाइटिस उन्हीं लोगों में होता है जिन लोगों में लगातार 3-4 सालों तक डैंड्रफ की समस्या होती है, उन लोगों में ज़्यादातर मात्रा में ये सभी प्रकार के इन्फेक्शियस टाइप के डैंड्रफ तैयार होते हैं या हो जाते हैं ये, या फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है, जो लोग अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों में सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है, जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनमें सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, या कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, टीबी, इन सभी बीमारियों में आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर कम होती है, इसीलिए इन लोगों में सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है। एपिलेप्सी हुए कुछ पेशेंट्स हैं, उनमें भी सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है। तो फ्रेंड, जब भी सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है तो ये कभी भी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। काफ़ी सारे वीडियोस में कहते हैं कि 1 या 2 महीने में सेबोरिक डर्माटाइटिस को ठीक करें, लेकिन ये बिल्कुल झूठी और गलत बात है, क्योंकि सेबोरिक डर्माटाइटिस एक स्किन डिसीज़ है, चाहे ये बॉडी पर हो या स्कैल्प पर हो, इसे ठीक करना बहुत हार्ड है, या इसमें बहुत लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, और ट्रीटमेंट से ये सिर्फ कंट्रोल में आता है, इसका फैलाव रुकता है और ये कंट्रोल में आता है और हेयर फॉल स्टॉप होता है। इसीलिए जब भी आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस हो, तब उस वक्त आपको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है और कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस लेने से ये बहुत फास्ट कंट्रोल में रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे सेबोरिक डर्माटाइटिस जब भी हो तो उसके लिए आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। तो जब भी आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस इन स्काल्प ये होता है, उस वक्त आपको हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश के लिए आपको हमेशा मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करना है। तेज़ धूप में घूमना या बैठना नहीं है। अगर तेज़ धूप में जाना भी हो तो आपको हमेशा अपने स्कैल्प को ढक के रखना है, कपड़े से कवर करके रखना है। हेयर जेल, हेयर स्प्रे जैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको पूरी तरह से बंद करना है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको बंद करना है। ज़्यादा ऑयली, मसालेदार या तीखी तली हुई जो भी चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बंद करना है। दूध से बनी हुई चीज़ों का या पदार्थों का सेवन आपको बंद करना है। फैट का प्रोडक्शन करने वाले जितने भी पदार्थ हैं या फैटी फूड का सेवन आपको पूरी तरह से बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट दोनों साथ साथ में रखेंगे तो आपकी ये बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगी। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट देखते वक्त अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉडर्न साइंस ने इसके लिए हमें कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। तो फ्रेंड, जब भी आपके स्कैल्प में सेबोरिक डर्माटाइटिस हो, उस वक्त आपको हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करना है, लेकिन उसके लिए आपको किसी अच्छे कंपनी का मेडिकेटेड हेयर शैम्पू ही इस्तेमाल करना है। मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ हेयर शैम्पू का इस्तेमाल करना है, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड हो, केटाकेनाजॉल हो, सेलेनियम सल्फाइड हो, जिंक पाइरिथियन हो और सीसीओपिरॉक्स हो। इन 5ों का कॉम्बिनेशन जिस शैम्पू में हो, वही मेडिकेटेड शैम्पू आपको अपने हेयर वॉश करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही कुछ एंटीफंगल मेडिसिन भी आपको स्टार्ट करने हैं, जैसे कि टैबलेट इट्राकेनाजॉल का इस्तेमाल आपको कुछ समय तक करना पड़ता है, जिससे कि आपका फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदा ने इसके लिए हमें कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। मॉडर्न साइंस के कंपेयर में आयुर्वेदा में इसके लिए बहुत अच्छी कंसेप्ट है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट आयुर्वेदा ने इसके लिए सुझाई है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हमेशा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट, ऐसे दोनों तरीके के ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया है। तो एक्सटर्नल के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें मेनली 3 टाइप्स रहते हैं, मतलब 3 तरह के ट्रीटमेंट एक्सटर्नली भी आपको लेनी पड़ती है, जिसमें कि सबसे पहले नंबर 1 पर आता है नस्य चिकित्सा, नंबर 2 पर आता है शिरोभ्यंग, और नंबर 3 पर आता है रक्तमोक्षण, और फिर लास्ट में 4th नंबर पर है इंटरनल मेडिसिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि नस्य चिकित्सा, ये जो दारुणक या सेबोरिक डर्माटाइटिस है उसके लिए नस्य चिकित्सा में क्या बताया है। तो आयुर्वेदा में कहते हैं
नासाही शिरोसो द्वारम, यानी कि आपके शरीर के जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, यानी कि आपके गर्दन से लेके ऊपर तक जितनी भी बीमारियां आपको ऐसे होती है, उन सभी ऊर्ध्व जत्रुगत बीमारियों के लिए नस्य चिकित्सा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती है और बीमारी को बहुत फास्ट कंट्रोल में लाती है या कभी कभी उसको पूरा ही ठीक कर देती है। इसीलिए नस्य चिकित्सा में आपको यष्टिमधु तेल का प्रतिमर्श नस्य लेना है, यानी कि हर रोज़ दो दो बूंद यष्टिमधु तेल के आपको अपने दोनों नासिकाओं में डालना है। फिर नंबर दो पर आता है शिरोभ्यंग। शिरोभ्यंग के लिए आपको नीम तेल या गुंजादी तेल का आपको अपने स्कैल्प पर हल्के हाथ से धीरे से मसाज करना है और इस तेल को लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपको अपने बालों को ऊपर बताए हुए मेडिकेटेड शैम्पू से हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद फिर आपको नीम के पत्ते पानी में उबालना है और जब ये पानी ठंडा हो जाए तब उस पानी को छानकर आपको अपने बालों पर, अपने स्कैल्प पर डाल देना है एकदम लास्ट में। और ट्रीटमेंट का जो तीसरा टाइप है वो है रक्तमोक्षण। तो रक्तमोक्षण के लिए आप कपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जलोका का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शिरोवेधन करके एक रक्तमोक्षण का टाइप है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके स्कैल्प पर जहाँ भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है वहाँ उस स्थान के करीब जो भी वेन रहती है उस वेन पर आपको हल्का सा कट मार्क लेना है और वहाँ से दूषित रक्त को आपको निकाल लेना है। जैसे ये दूषित रक्त वहाँ से निकल जाएगा उतने ही तेज़ी से, उतने ही फास्ट आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस ठीक होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट का ये तरीका किसी अच्छे तज्ञ आयुर्वेद कंसल्टेंट से ही आपको लेना है। अनएक्सपीरियंस डॉक्टर से ट्रीटमेंट का यह तरीका आपको नहीं लेना है या आप इसे नहीं ले सकते हैं अनएक्सपीरियंस डॉक्टर से। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। अभी हम देखेंगे कि इंटरनली हमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस इन स्कैल्प के लिए कौन सी मेडिसिन आयुर्वेदा ने सुझाई है। तो इसके लिए आपको लेना है टैबलेट अस्थि पोषक वटी, टैबलेट अस्थि मज्जा पाचक वटी सुबह शाम एक एक गोली, त्रिफला चूर्ण सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी के साथ, सायरप महामंजिष्ठ आदि काढ़ा सुबह शाम 30-30 ml पानी के साथ खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आयुर्वेदा ने हमें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से ट्रीटमेंट सुझाई है। और इसके साथ ही में अगर आप होम रेमेडीज भी कुछ करते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहता है और ज़्यादा आपको अपने बीमारी में रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, होम रेमेडीज में जब भी आपको अपने हेयर वॉश करना हो तो हेयर वॉश के पहले आपको अपने स्कैल्प पर 3 चम्मच दही, उसमें आधे नींबू का रस डाल के इस मिक्सचर को आपको अपने स्कैल्प पर लगाना है और लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपको ऊपर बताए हुए मेडिकेटेड शैम्पू से हेयर वॉश करना है और फिर हेयर वॉश होने के बाद नीम का पानी आपको अपने स्कैल्प पर डालना है। साथ में और एक हेयर पैक भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेदा में ग्रंथोक्त संहिता में बताए हुए कुछ हेयर पैक्स भी है सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और सेबोरिक डर्मेटाइटिस को ठीक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये हेयर पैक बनाने के लिए आपको लेना है 2 आम्रबीज मज्जा। आम्रबीज मज्जा मतलब आम की जो गुठली रहती है उसके अंदर जो बीज रहता है उस बीज को आपको लेना है और ऐसे 2 बीज आपको लेना है। उसमें आपको 7 या 8 हरीतकी के बीज लेने हैं और इन दोनों बीजों को आपको ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बनाना है। जब ये पाउडर बन जाए तो उसमें थोड़ा आधी कटोरी या उससे भी थोड़ा सा कम दूध आपको उसमें डाल के फिर से उसको ग्राइंडर में डाल के उसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। जब भी आपका फाइन पेस्ट बन जाए तब आपको इसे अपने स्कैल्प पर लगाना है और लगाकर 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपको इस हेयर पैक को मेडिकेटेड शैम्पू से वॉश करना है, फिर ऊपर से नीम का पानी भी आपको इस पर से डालना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे आज के इस वीडियो में यहाँ पर हमने आपको बताया है कि किस तरह से मॉडर्न साइंस ने और आयुर्वेदा ने सेबोरिक डर्माटाइटिस इन स्कैल्प की कंसेप्ट बताई है, उनमें होने वाले लक्षण बताए हैं, उसके लिए दोनों ने अलग अलग ट्रीटमेंट के तरीके भी सुझाए हैं। दोनों तरीके हमने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेबोरिक डर्माटाइटिस ये इन्फेक्शियस डैंड्रफ का पहला टाइप हमने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया है और फिर हम देखेंगे आगे का सेकेंड टॉपिक। फ्रेंड्स, इन्फेक्शियस डैंड्रफ के जो 3 टाइम्स हमने आपको बताए थे उसमें का सेकंड पार्ट अभी हम यहाँ पर देखेंगे, जो है
सोरियासिस ऑन स्कैल्प, यानी कि आपके स्कैल्प पर, आपके सर के स्कैल्प पर जब सोरियासिस के पैचेस होते हैं तो उसकी वजह से जो हेयर फॉल रहता है उसका पूरा डिस्कशन यहाँ पर अभी सेकंड पार्ट में हम करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो सोरियासिस ये एक स्किन डिसीज़ है, यानी कि त्वचा की बीमारी है, जो कि बहुत ही कॉमनली दिखाई देती है और मेनली बहुत बार ये पुरुषों में, यानी कि मेल पर्सन्स में ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि उम्र के 16 साल से लेके 35 साल तक के पुरुषों में ज़्यादातर, या 35 साल तक के उम्र में जो भी लोग आते हैं उनमें ज़्यादातर पर दिखाई देती है। फ्रेंड्स, सोरियासिस को अक्सर फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज और एक्जिमा के साथ कंफ्यूज किया जाता है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए जब भी सोरियासिस ऑन स्कैल्प होता है तो सबसे पहले आपको इसका सही निदान करना या सही डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, कि ताकि तैयार हुए ये पैचेस, आपके सर पर जो पैचेस तैयार हुए वो सच में सोरियासिस के ही पैचेस है या किसी अन्य बीमारी के पैचेस है। तो जब भी सोरियासिस के पैचेस आपके स्कैल्प में तैयार होते हैं तो उसका डायग्नोस्टिक इंडेक्स ये है कि ये आपके सर के फ्रंटल हेयर लाइन में तैयार होते हैं, यानी कि यहाँ पर से ये स्टार्ट होता है, फ्रंटल हेयर लाइन में ये पैचेस तैयार होते हैं। आपके कान के पीछे पैचेस तैयार होते हैं, कान के आजू बाजू का जो एरिया, आसपास का एरिया, वहाँ पर पैचेस तैयार होते हैं। आपके सर का जो पिछला हिस्सा रहता है जहाँ पर आपके बाल ख़त्म होते हैं, तो वो जो हेयर लाइन एंड होती है, जहाँ पर आपकी हेयर लाइन एंड होती है पीछे के पार्ट में आपके सर के, वहाँ पर ये पैचेस दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ये पैचेस दिखाई देते हैं तो अक्सर सोरियासिस के पैचेस हल्के गुलाबी लाल रंग के होते हैं, एकदम मोटे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, काफ़ी सारे इनमें ऐसे सफ़ेद रंग की सिल्वरी स्केल्स ऐसे निकलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग पैचेस में आपको होती रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुजली रहती है इन पैचेस में, और हल्की सफ़ेद रंग की पपड़ी इन पैचेस से कंटिन्यू लगातार निकलती रहती है। जब भी ये आपके सर में होता है तो अंडर कंट्रोल डैंड्रफ आपके सर में रहता है, बहुत ज़्यादा खुजली आपके स्कैल्प में हमेशा रहती है। जो डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं आता किसी भी ट्रीटमेंट से जल्दी से, ऐसा डैंड्रफ आपके स्कैल्प में तैयार होता है। और इन पैचेस में जब भी खुजली रहती है, आप खुजलाते हैं तो इनमें अक्सर आपको सूजन देखने को मिलती है, जलन रहती है। तो जब भी ऐसे पैचेस आपको लगे तो समझ जाइए कि आपको सोरियासिस हुआ है। तो इसीलिए इसका कन्फ्यूजन बाकी के अदर डिसीजेस के साथ में, ये स्पेशली डायग्नोस्टिक इंडेक्स है कि इसकी जो एरिया हमने आपको यहाँ पर बताया है, फ्रंटल हेयर लाइन, बैक साइड के आपके हेयर की हेयर लाइन, इन पर ये अक्सर दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, सोरियासिस की हम यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार और आयुर्वेदा के अनुसार। मॉडर्न साइंस ने इस पर कौन सी कंसेप्ट रखी है, आयुर्वेदा ने कौन सी कंसेप्ट रखी है, इसके लक्षण क्या क्या रहते हैं, जब भी सोरियासिस होता है तो इसके लिए आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और ट्रीटमेंट में मॉडर्न साइंस ने कौन सी ट्रीटमेंट दी है, आयुर्वेदा ने कौन सी ट्रीटमेंट दी है, और कौन सी ट्रीटमेंट से ये जल्दी ठीक हो सकते हैं, और इसके साथ ही कुछ बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट देने वाली कुछ होम रेमेडीज भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सोरियासिस जो रहता है वो मेनली स्किन डिसीज़ ही रहता है, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बॉडी के किन पार्ट्स में तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे उस पर भी हमने अलग से एक टाइप निकाला है उसका, स्कैल्प सोरियासिस। तो ये जो जनरल सोरियासिस रहता है तो ये मेनली होता है आपके हाथ पर, आपकी पीठ पर, गर्दन पर, आपके कान के पीछे, आपके ग्रॉइन रीजन में, बगल में, या जहाँ की बहुत ज़्यादा स्वेटिंग रहती है ग्रॉइन रीजन में और बगल में, और ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से यहाँ पे सोरियासिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही जब स्कैल्प सोरियासिस होता है तो यह आपके फ्रंटल हेयर लाइन में होता है, सर पे, आपके सर का जो पिछला हिस्सा है जहाँ पे आपके हेयर बाल पूरी तरह से बंद होते, जो एंड पार्ट रहता है आपके बालों का, वहाँ की जो हेयर लाइन है वहाँ पर ये स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से ये सोरियासिस आपके शरीर के अलग अलग जगहों पर तैयार होता है, और जब भी तैयार होता है, जहाँ पर भी बॉडी के पार्ट्स पर तैयार होता है, आपको इसमें अक्सर लाल लाल रंग के मोटे मोटे ऐसे धब्बे या पैचेस दिखाई देंगे। इन पैचेस में अक्सर जलन रहती है, बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, ये एकदम मोटे रहते हैं, स्वेलिंग रहती है इसमें, और जब भी आप इसमें खुजली करेंगे तो खुजली की वजह से बहुत बार इनमें घाव भी बनते दिखाई देते हैं, और जब स्कैल्प में ये बनते हैं तो इसके साथ हेयर फॉल भी दिखाई देता है। फ्रेंड्स, वैसे तो जब आपको सोरियासिस होता है, आपके स्कैल्प में भी ये होता है, तो ये खुद से सोरियासिस कभी भी हेयर फॉल स्टार्ट नहीं करवाता, मतलब स्कैल्प सोरियासिस खुद से कभी भी हेयर फॉल स्टार्ट नहीं करेगा, इसके सिर्फ पैचेस ही आपके स्कैल्प पर दिखाई देते हैं।
लेकिन बहुत बार जब भी आपके स्कैल्प पर तैयार होता है तो उसमें इचिंग इतनी ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा इंटेंस इचिंग रहती है, पेशेंट लोग इतना ज़्यादा खुजलाते हैं कि खुजला खुजला के बहुत बार वो उसमें ऐसे घाव बना देते हैं, बहुत बार नाखूनों से उसको ऐसे कुरेचते रहते हैं, किसी पॉइंटेड चीज़ से उसको अक्सर पिंच करते रहते हैं खुजली कम करने के लिए, बहुत बार कुछ हार्श ट्रीटमेंट भी लेते हैं इन सोरियासिस के पैचेस पर, और इन सब कारणों के वजह से या इन सब के परिणाम स्वरूप इन पैचेस में सूजन आती है, जलन होती है, ये मोटे बनते हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ निकलता है। और इसीलिए जैसे जैसे आप इनमें ज़्यादा ज़्यादा खरोच लाते जाएंगे, खुजलाते जाएंगे, वैसे वैसे ज़्यादा डैंड्रफ तैयार होके साथ में हेयर फॉल भी स्टार्ट होता है। इसीलिए सिर्फ पैचेस तैयार हुए तो खुद से सोरियासिस कभी भी हेयर फॉल नहीं स्टार्ट करवाता, बल्कि पेशेंट लोग उनमें अक्सर खुजली करके, तेज़ किसी चीज़ से खुजली करके घाव बनाते हैं उसमें और हेयर फॉल स्टार्ट करते हैं। बहुत बार स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कि सोरियासिस हुआ है अब ये कब ठीक होगा या कभी ठीक होगा कि नहीं, इन स्ट्रेस की वजह से भी बहुत बार हेयर फॉल स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, सोरियासिस जब भी हो उसके आपको पूरी तरह से उसके लक्षण पता होने चाहिए। सोरियासिस में अगर आप सही समय पर ट्रीटमेंट लें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्कैल्प सोरियासिस में खुद से हेयर फॉल नहीं होता, लेकिन जब भी ये पैचेस बनते हैं उसमें अगर आपने सही समय पर ध्यान नहीं दिया, सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं ली, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली, तो ये सोरियासिस के पैचेस परमानेंटली आपके स्कैल्प पर रहते हैं और वहाँ पर जो हेयर फॉल हुआ है वो परमानेंटली हेयर फॉल रहता है। इसीलिए सोरियासिस को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना ही इग्नोर करना चाहिए। जब भी यह स्टार्टिंग के फेज़ में रहता है उसी वक्त तुरंत आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए ताकि ये पैचेस बढ़े ना, आपका हेयर फॉल ना हो और जल्दी से जल्दी ये बीमारी आपकी ख़त्म हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि मॉडर्न साइंस ने हमें सोरियासिस के लिए कौन सी कंसेप्ट बताई है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आयुर्वेदा ने हमें इसके लिए कौन सी कंसेप्ट बताई है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस के अनुसार सोरियासिस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे शरीर की ही रोग प्रतिरोधक तंत्र प्रणाली हमारे ही शरीर के त्वचा पर अटैक करती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पर लाल लाल रंग के मोटे मोटे धब्बे या पैचेस तैयार होते हैं। और ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये बीमारी, इसको बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्रॉनिक का मतलब है बहुत लंबे चलने वाली बीमारी, या जिस बीमारी में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसी क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली ये बीमारी। बहुत बार सोरियासिस में रिकरेंस भी देखने को मिलता है, रिकरेंस मतलब लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने के बाद ये बीमारी ठीक हो गई, लेकिन फिर से कुछ ही महीनों बाद फिर से हो गई ये बीमारी, इसीलिए इसमें रिकरेंस भी बार बार देखने को मिलता है। इसीलिए मॉडर्न साइंस के अनुसार बहुत बार सोरियासिस पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेदा के अनुसार जब हम ट्रीटमेंट इसमें सही तरीके से लेते हैं तो सोरियासिस ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी मॉडर्न साइंस की कंसेप्ट, अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदा ने इसके लिए कौन सी कंसेप्ट रखी है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जब किसी कारणवश हमारे शरीर का कफ और पित्त दोष दूषित होता है, और ये दूषित कफ और पित्त एक साथ मिलकर जब रक्त धातु के साथ आता है और उसमें मिक्स होता है, और उसमें मिक्स होकर जब ये आपके सर में, आपके स्कैल्प पर आता है या आपके शरीर के किसी अन्य भागों में ये दूषित कफ और पित्त आपके शरीर के किसी भी पार्ट में जाता है, किसी भी स्किन पार्ट में, बॉडी के पार्ट में जाता है, वहाँ की स्किन में जाता है, तो वहाँ पर जाकर ये वहाँ के जो पोर्स रहते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, वहाँ पर खुजली आती है, वहाँ की स्किन में कफ दोष दूषित होने की वजह से वहाँ की स्किन आपकी एकदम ड्राई होती है, मोटी होती है, पित्त दोष की वजह से उसमें जलन रहती है, बहुत ज़्यादा जलन रहती है, दूषित कफ की वजह से खुजली बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए जब भी ये दूषित कफ और पित्त आपके शरीर के किसी भी पार्ट में जाता है या फिर आपके स्कैल्प के किसी पार्ट में जाता है, तो वहाँ पर ये लाल लाल रंग के मोटे मोटे धब्बे तैयार करता है, जिनमें कि इंटेंस इचिंग यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में खुजली रहती है, और इसको खुजलाने से वहाँ पर जलन होती है, सूजन आती है, अगर सर में हो तो वहाँ पे घाव बनाते हैं पेशेंट लोग खुजला खुजला कर, वहाँ पे हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आयुर्वेद के में ट्रीटमेंट लेनी हो इसमें, तो इसके लिए हमें पित्त कफ दोष और रक्त दोष को शुद्ध करने वाली, इनको शोधित करने वाली ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन ट्रीटमेंट का है ये पार्ट हम आखिर में देखेंगे, अभी हम देखेंगे
कि सोरियासिस होने पर आपको कौन सी प्रिकॉशंस, सबसे पहले हम देखेंगे कि सोरियासिस किन कारणों से होता है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सोरियासिस उन्हीं लोगों में होता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत रहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर एक पर आता है एक्सट्रीम स्ट्रेस। जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उन लोगों में बहुत बार सोरियासिस की बीमारी होती रहती है। नंबर दो पर आता है डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं उनमें भी सोरियासिस दिखाई देता है। नंबर तीन पर आता है हेरिडिटरी फैक्टर। जिन लोगों में या जिनके परिवार में पिछली पीढ़ी में किसी को अगर सोरियासिस की बीमारी हुई हो तो नेक्स्ट जनरेशन में भी सोरियासिस की बीमारी देखने को मिलती है। यानी कि आपके परिवार में अगर माँ, बाप, मामा, चाचा, ताया, इनमें से अगर किसी को भी ये बीमारी पहले कभी हो चुकी हो तो ये बीमारी अक्सर नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है या पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आगे चलती जाती है। इसीलिए हेरिडिटरी फैक्टर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। काफ़ी बार तो हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से ही सोरियासिस की बीमारी देखने को मिलती है। नंबर चार पर आता है स्मोकिंग ड्रिंकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं उनमें भी सोरियासिस की बीमारी देखने को मिलती है। नंबर पाँच पर आता है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी की वजह से भी सोरियासिस देखने को मिलता है। और नंबर छः पर आता है इंजुरी। कभी कभी किसी कारणवश कुछ लोगों को इंजुरी होती है और उस इंजुरी की वजह से भी वो इंजुरी के जो घाव रहते हैं वो सोरियासिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए चोट या इंजुरी को भी सोरियासिस के कारणों में इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सोरियासिस के कारण। अभी हम देखेंगे कि सोरियासिस जब भी हो तो उसके लिए हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ऑल ओवर बॉडी पर होने वाला सोरियासिस, ये हमारा मेन टॉपिक ने हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सोरियासिस ऑन स्कैल्प और रिलेटेड हेयर फॉल। मतलब आपके स्कैल्प पर जो सोरियासिस हुआ है उसकी वजह से जो हेयर फॉल होता है वो आज का हमारा मेन टॉपिक है, और उसके लिए ही ट्रीटमेंट, उसके लक्षण आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, और उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस भी क्या लेने चाहिए ये हम आपको यहाँ पे अभी बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी सोरियासिस ऑन स्कैल्प हो रहता है, मतलब आपके स्कैल्प पर जब भी सोरियासिस के पैचेस रहते हो जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में अनकंट्रोल डैंड्रफ रहता है, पैचेस बहुत ऐसे मोटे हल्के गुलाबी रंग के रहते हैं, हमेशा उसमें सिल्वरी कलर की या सफ़ेद पपड़ी जैसा डैंड्रफ निकलता रहता है और इन डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल भी होता रहता है। इसीलिए जब भी आपके स्कैल्प में ये सोरियासिस हो तो उस वक्त आपको हमेशा जेंटल कॉम्बिंग करनी चाहिए, बहुत जेंटली कॉम्बिंग करनी चाहिए। मतलब आपको एकदम हल्के से, एकदम धीरे हाथ से आपको अपने बाल बनाने हैं, एकदम तेज़ और एकदम फास्ट खींच के ऐसे आपको हेयर कॉम्ब अपने बालों में चलाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे से कॉम्बिंग करनी है। क्योंकि अगर आप बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही फास्ट अपने बाल बनाएंगे तो उसकी वजह से जो पैचेस आपके स्कैल्प में तैयार होंगे उनमें, उन पैचेस में से और ज़्यादा मात्रा में स्केल्स निकलेंगे, और ज़्यादा मात्रा में स्केल्स निकलने की वजह से उनके साथ साथ आपके बाल भी झड़ेंगे। इसीलिए एकदम जेंटल कॉम्बिंग आपको करना है। इसके साथ ही हफ्ते में 3 बार आपको किसी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड हो, ऐसे सैलिसिलिक एसिड वाले अच्छे कंपनी का मेडिकेटेड शैम्पू से आपको हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करना है। इसके साथ ही जैसे ही ये पैचेस आपके स्कैल्प में तैयार होते हैं, इन पैचेस में बहुत इंटेंस इचिंग रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली रहती है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा लोग ऐसे पेन से या किसी नुकुली चीज़ से अपने सर को ऐसे ऐसे खुजलाते रहते हैं। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी ये सोरियासिस के पैचेस हो, कोई मोटा सा कपड़ा आपको या रफ़ कपड़ा आपको लेना है और उससे ही आपको धीरे धीरे खुजलाना है। हमेशा जब भी सोरियासिस हो आपको अपने फिंगर टिप्स का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। फिंगर टिप्स आपको एकदम सॉफ्ट रखने पड़ते हैं। इसमें हमेशा समय समय पर आपको अपने नाखून कटवाने चाहिए, ताकि अगर आपने अपने फिंगर से इचिंग भी की तो भी नाखूनों की वजह से वहाँ पे कोई घाव ना बने, पैचेस में कोई घाव ना बने जिसकी वजह से कोई हेयर फॉल ना हो, और उसके साथ में घाव के साथ में सूजन, जलन आदि भी ना हो। इन सब बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ये जो हेयर फॉल रहता है, काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि सोरियासिस में जो भी हेयर फॉल रहता है वो टेम्परेरी रहता है,
ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि सोरियासिस के पैचेस खुद से होके हेयर फॉल स्टार्ट नहीं करवाते, इसीलिए जब भी हेयर आपके स्कैल्प में सोरियासिस के पैचेस हो तो जो आपको हेयर फॉल स्टार्ट होता हो तो उसके लिए आपको तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी देनी चाहिए, ताकि ये जो पैचेस तैयार हुए हो वो जल्द से जल्द ठीक हो, और जैसे ही आपका सोरियासिस ठीक होगा वैसे ही आपका हेयर फॉल भी स्टॉप होगा, इसीलिए तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि स्कैल्प सोरियासिस में हमें मॉडर्न साइंस ने कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस के अनुसार तो सोरियासिस एक कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, इसीलिए मॉडर्न साइंस ने इसको सिर्फ सप्रेस करने की ही बीमारी दी है, मतलब जो भी बीमारी हुई है उसको वहीं पर दबा दो और इसका स्प्रेड रोक दो। इसीलिए मॉडर्न साइंस के अनुसार इसमें अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड्स के क्रीम दिए जाते हैं, रेटिनॉइड्स क्रीम दिए जाते हैं, स्टेरॉइड की टैबलेट दी जाती है और इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स भी दिए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस के कंपेयर में आयुर्वेदा में इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट सुझाई है। आयुर्वेदा में इसमें जिन दोषों के कारणों से सोरियासिस हुआ है उन दोषों पर ही काम किया जाता है, जिसकी वजह से सोरियासिस की बीमारी काफ़ी हद तक पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेदा के अनुसार आपको इसमें लेना है गंधक टैबलेट, गंधक रसायन सुबह शाम दो दो गोली, सायरप महामंजिष्ठादि काढ़ा 30-30 ml सुबह शाम पानी के साथ, सायरप खदिरारिष्ट 30-30 ml सुबह शाम पानी के साथ, और आपको लेना है पंचतिक्त घृत गुड़। ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। और इसके साथ ही आपको लेना है कैप्सूल फिश ऑयल की, रोज़ एक कैप्सूल आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे इंटरनल मेडिसिन। आयुर्वेदा जब भी ट्रीटमेंट बताता है तो हमेशा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से ट्रीटमेंट पर काम करते हैं। तो एक्सटर्नली ट्रीटमेंट हमने अभी आपको यहाँ पर बताया, और इसके साथ ही एक्सटर्नली जैसे कि सोरियासिस के पैचेस में बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, हमेशा लोग ऐसे सर खुजलाते रहते, पिंच करते रहते हैं उनको, तो इसीलिए जब भी आपको स्कैल्प सोरियासिस होता है तो इसके लिए आपको चालमोगरा तेल, जात्यादि तेल और एलादी तेल आदि में से किसी भी एक तेल का प्रयोग करना है, और अपने पैचेस पर अक्सर हर रोज़ 3 या 4 बार तो भी इस ऑयल का अप्लीकेशन हल्के हाथ से इन पैचेस पर करना है, ताकि इसमें जो इचिंग रहती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो, पैचेस में इचिंग ना हो, जो बाल वहाँ के झड़ गए हैं वहाँ से फिर से बाल निकल आए, और साथ में इंटरनल मेडिसिंस भी आपको लेना है, ताकि बीमारी जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाए, रुक जाए बीमारी वही की वही पर, पूरी तरह से ठीक हो, और साथ में हेयर फॉल जो होगा वो स्टॉप हो और नए बाल भी आपको निकल आए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आयुर्वेद ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से ट्रीटमेंट बताए और आपकी बीमारी जल्द से जल्द कंट्रोल में आती। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको सोरियासिस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी कि मॉडर्न साइंस के अनुसार सोरियासिस क्या है, आयुर्वेदा के अनुसार सोरियासिस क्या है, दोनों में किस किस प्रकार के और कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है ये भी हमने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी स्कैल्प सोरियासिस जैसे कुछ सिम्टम लगे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, उनसे डायग्नोसिस करवाएं कि आपके स्कैल्प में जो पैचेस तैयार हुए हैं वो सोरियासिस के ही है या किसी अन्य बीमारी के हैं, और फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे इन्फेक्शियस डैंड्रफ का थर्ड पार्ट, यानी कि रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प। फ्रेंड्स, इन्फेक्शियस डैंड्रफ के अभी जो 3 टाइप्स हमने आपको बताए थे, तो उसमें से ये सबसे लास्ट टाइप है, जिसका कि नाम है रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प। मॉडर्न साइंस के अनुसार रिंगवर्म इन्फेक्शन ये एक फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी है, जो कि टीनिया कैपिटस नाम का जो फंगस रहता है उससे होती है। जब ये टीनिया कैपिटस आपके स्कैल्प के कॉन्टैक्ट में आता है तो ना ही ये सिर्फ आपके स्कैल्प में फैलता है, बल्कि उसके साथ साथ ये आपके पूरे हेयर शाफ्ट में भी फैलता है। तो हेयर शाफ्ट में फैलता है, इसका मतलब है जैसे हमारे बालों के 3 पार्ट्स रहते हैं, ये हो गया हमारे बालों का हेयर रूट, उसके बाद ये जो लंबा पार्ट बालों का शुरू होता है उसको कहते हैं हेयर शाफ्ट, और लास्ट में रहता है आपका हेयर एंड। तो हेयर रूट और हेयर एंड के बीच में ये जो लंबा वाला पार्ट रहता है बालों का, इसे कहते हैं हेयर शाफ्ट या फिर हेयर फॉलिकल। और ये जो रिंगवर्म इन्फेक्शन रहता है, ये स्किन पर, स्कैल्प की स्किन पर अटैक करने के साथ साथ ही इस पूरे हेयर शाफ्ट पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से जब भी रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प होता है
तो उस वक्त ना ही सिर्फ आपके स्कैल्प पर बाल्डनेस के पैचेस दिखाई देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपके जो बाल रहते हैं वो एकदम ब्रिटल और फ्रेजाइल बनते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में टूटते रहते हैं, अक्सर टूटते दिखाई देते हैं। या अगर आप अपने बालों को हल्का सा भी ऐसा पुल करें तो आपके बाल एकदम ऐसे गुच्छों के फॉर्म में निकलते हुए दिखाई देते हैं। जब भी ये इन्फेक्शन आपके स्कैल्प पर होता है तो उस वक्त आपके स्कैल्प पर एकदम सर्कुलर शेप के, रिंग शेप के बाल्डनेस के पैचेस दिखाई देते हैं। इन पैचेस पर जो स्किन रहती है वो एकदम स्केली रहती है, मतलब हल्की सफ़ेद रंग की पपड़ी इन पैचेस पर से निकलती दिखाई देती है। इन पैचेस पर हल्की सी रैश दिखाई देती है, जिसकी वजह से पैचेस में आपको थोड़ी थोड़ी खुजली महसूस होती है या फिर खुजली रहती है इसमें। और जो पैचेस पर जो बाल हैं वो पूरी तरह से झड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। अगर बाल वहाँ के अपने आप पूरी तरह से टूट गए तो उन टूटे हुए बालों के ही छोटे छोटे ऐसे ब्लैक कलर के स्पॉट्स उन पैचेस पर दिखाई देते हैं। जब भी इस तरह के लक्षण आपको अपने स्कैल्प में दिखाई दे, इस तरह के पैचेस आपको अपने स्कैल्प पर दिखाई दे, तो उस वक्त हम उसे कहते हैं रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प। फ्रेंड्स, इस बीमारी का नाम रिंगवर्म इन्फेक्शन इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो पैचेस रहते हैं वो एकदम ऐसे सर्कुलर शेप के, रिंग शेप के फॉर्म में तैयार होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प। बहुत बार बहुत सारे लोग या कई बार कुछ डॉक्टर्स भी इस बीमारी को एलोपेशिया एरियाटा और रिंगवर्म इन्फेक्शन के पैचेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में जब एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस होते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता ये रिंगवर्म के पैचेस हैं या एलोपेशिया एरियाटा के। इसीलिए सबसे पहले हम इन दोनों पैचेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब भी आपको अपने स्कैल्प पर एकदम कॉइन शेप के पैचेस दिखाई दे, सफ़ेद कलर के और चिकनाई लिए हुए पैचेस दिखाई देते हैं जिन पर एक भी बाल नहीं रहता और एकदम चिकने पैचेस रहते हैं सफ़ेद कलर के, तो वो रहते हैं एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस। और रिंगवर्म इन्फेक्शन के जो पैचेस रहते हैं वो रिंग शेप के, सर्कुलर शेप के रहते हैं, बहुत बार ये भी कॉइन शेप के रहते हैं, लेकिन इन पैचेस पर जो स्किन रहती है वो स्केली रहती है, हल्का हल्का डैंड्रफ इन पैचेस में से निकलता रहता है। पैचेस में अक्सर ग्रे कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं क्योंकि जब भी ये पैचेस तैयार होते हैं तो वहाँ के बाल टूट जाते हैं और टूटे हुए बालों के ही छोटे छोटे डॉट्स, ब्लैक कलर के डॉट्स या ग्रे कलर के डॉट्स आपको इन पैचेस पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों पैचेस में काफ़ी डिफरेंस है। कॉइन शेप के दोनों ही रहते हैं लेकिन दोनों पैचेस में डिफरेंस है। इसीलिए जब भी आपको अपने स्कैल्प पर पैचेस दिखाई दे तो सबसे पहले उसका सही डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। इसीलिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें, उनसे सलाह लें और कंफर्म डायग्नोसिस करने के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। फ्रेंड्स, बहुत बार रिंगवर्म इन्फेक्शन ये जो होता है ये अक्सर छोटे बच्चों में दिखाई देता है, जैसे 2 साल के बच्चों से लेकर तो 16 साल तक के जो बच्चे रहते हैं, यानी जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे रहते हैं उन्हीं में ये ज़्यादा तौर पर देखने को मिलता है। और जब बच्चों में होता है तो बच्चों के थ्रू ही ये इन्फेक्शन घर के अन्य सदस्यों में, बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है। रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प या फिर रिंगवर्म इन्फेक्शन की ही ये बीमारी बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्टेजियस डिसीज़ में आती है। इसका मतलब है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी। इसीलिए रिंगवर्म इन्फेक्शन जब भी होता है तो ये एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक बहुत तेज़ी से फैलता है। और इसी तरह से जब भी अगर घर के किसी एक सदस्य को हुआ है तो सभी सदस्यों में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि रिंगवर्म इन्फेक्शन का फैलाव किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, रिंगवर्म इन्फेक्शन की ये बीमारी कुल 4 तरीकों से फैलती है। उसमें कि सबसे पहले नंबर 1 पर आता है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, यानी रिंगवर्म इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति से सीधा स्किन कॉन्टैक्ट होने से या डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट में आने से उनके ये बीमारी स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है, यानी कि ग्रसित व्यक्ति से डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से स्वस्थ व्यक्ति में तुरंत ये बीमारी ट्रांसमिट होकर, मतलब फैल जाती है, इसका तुरंत फैलाव होता है और स्वस्थ व्यक्ति इसकी पकड़ में आ जाता है। नंबर 2 पर आता है ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, यानी कि रिंगवर्म इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति के जो पर्सनल ऑब्जेक्ट रहते हैं, यानी उनकी जो पर्सनल चीज़ें रहती है, जैसे कि कपड़े, टॉवेल, उनके हेयर ब्रशेस, हेयर कॉम्ब, पिलो, बेडशीट आदि, ये वस्तुएं जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर होती है, दूसरा व्यक्ति इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो ये बीमारी ग्रसित व्यक्ति से लेकर तुरंत स्वस्थ व्यक्ति में
ट्रांसमिट होती है, या स्वस्थ व्यक्ति तुरंत इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब उसमें भी ये बीमारी आ जाती है पर्सनल चीज़ों, इसीलिए दूसरों की पर्सनल चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, या फिर इस्तेमाल ना ही करें किसी की पर्सनल चीज़ें तो ही बेटर रहता है। नंबर 3 पर आता है एनिमल टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। बहुत बार हमारे घर में जो भी पेट एनिमल रहते हैं, जैसे डॉग्स और कैट के जो पपीज़ यानी कि छोटे बच्चे रहते हैं, डॉग्स और कैट के जो पपीज़ यानी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इन एनिमल्स के, तो वो अक्सर रिंगवर्म इन्फेक्शन के बहुत अच्छे कैरियर रहते हैं। मतलब इन जानवरों के खाल पर रिंगवर्म इन्फेक्शन के जो फंगस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, और इन जानवरों को उससे कोई भी तकलीफ नहीं होती, इनमें इसका कोई भी सिम्टम इनमें दिखाई नहीं देते। इसीलिए जब भी आपके बच्चे ऐसे पालतू जानवरों के कॉन्टैक्ट में आते हैं या उनके साथ खेलते हैं, तो ये बीमारी, ये फंगस तुरंत एनिमल से ट्रांसमिट होकर ह्यूमन बींग्स में आती है, या हम इंसानों की तरफ इन जानवरों से तुरंत फैल जाती है। या बहुत बार जिन लोगों के यहाँ डोमेस्टिक एनिमल हो, जैसे कि काऊ, डॉग, हॉर्सेस, पिग्स, गोट, इन जानवरों पर भी ये बीमारी, इनमें भी ये फंगस बहुत अच्छी तरह से, ये भी कैरियर रहते हैं, इनके खाल पर भी ये फंगस बहुत अच्छी तरह से ऐसे परमानेंटली इनके खाल पर रहते हैं बहुत सारे जानवरों में, और जानवरों में इसमें स्पेसिफाइड सिम्टम नहीं रहते, सिर्फ इन जानवरों की जो खाल रहती है उन खाल में बहुत बार आपको सर्कुलर शेप के ऐसे पैचेस दिखाई देते हैं, इसके अलावा कोई भी सिम्टम जानवरों में दिखाई नहीं देते। जब भी किसी जानवर पर आपको इस तरह से सर्कुलर पैटर्न के पैचेस उनके खाल पर दिखाई दे, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर कई सारे फंगस हैं जो कि रिंगवर्म इन्फेक्शन के हैं, और ऐसे ग्रसित जानवरों के कॉन्टैक्ट में जब भी कोई व्यक्ति या इंसान आता है तो ये रिंगवर्म इन्फेक्शन तुरंत उन एनिमल की तरफ से ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट होते हैं, या ह्यूमन इंसानों की तरफ ये बीमारी तुरंत तेज़ी से फैल जाती है। नंबर 4 पर आता है, जैसे अगर कोई एक बच्चा रिंगवर्म इन्फेक्शन से ग्रसित हो या इन्फेक्टेड हो, तो ऐसा इन्फेक्टेड बच्चा स्कूल के अन्य बच्चों में भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैला देता है, क्योंकि ये हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन वाली बीमारी है। इसीलिए एक बच्चे से ये बीमारी स्कूल के कई सारे बच्चों में, इसीलिए जो क्राउडेड प्लेसेस रहती है जैसे स्कूल, जिम, चाइल्ड केयर सेंटर, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, तो ऐसी जगह पर ये बीमारी एक बच्चे से लेकर काफ़ी सारे बच्चों में तेज़ी से फैलती है, क्योंकि स्कूलों में अक्सर बच्चे एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए बीमारी तेज़ी से फैलती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि रिंगवर्म इन्फेक्शन होने के क्या कारण रहते हैं। तो फ्रेंड्स रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प के जो कारण रहते हैं वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया कि ये एक फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी है, तो अलग अलग प्रकार के जो मोल्ड टाइप के फंगस रहते हैं उन्हें कहते हैं हम डर्मेटोफाइट्स, और ये जो डर्मेटोफाइट्स जब आपके शरीर के किसी भी पार्ट के स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये रिंग शेप के फॉर्म में सर्कुलर पैचेस तैयार करते हैं, और वहाँ पर अगर ये सर्कुलर पैचेस के पैचेस आपके स्किन पर आपके बॉडी में जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट में जाएंगे वहाँ वहाँ पर ये पैचेस को तैयार करते हैं। और इन्हीं डर्मेटोफाइट्स में से जब टीनिया कैपिटस नाम का ये फंगस रहता है, ये आपकी स्कैल्प के कॉन्टैक्ट में आता है आपकी, तो ये ना ही सिर्फ आपकी स्कैल्प की स्किन पर अटैक करता है, बल्कि उस स्किन के साथ साथ जो आपके हेयर शाफ्ट रहते हैं या हेयर फॉलिकल रहते हैं उन पर भी ये सीधा अटैक करता है, जिसकी वजह से रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प में आपके जो स्कैल्प रहते हैं आपके सर पर आपको रिंग शेप के पैचेस दिखाई देंगे, गोल ऐसे सर्कुलर पैचेस दिखाई देंगे, उन पैचेस पर जो बाल रहते हैं वो भी पूरी तरह से आपके झड़ जाते हैं, बाकी के भी जो बाल आपके रहते हैं एकदम ब्रिटल और फ्रेजाइल बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसे टुकड़े टुकड़े होकर बाल गिरते रहते हैं, या हल्का सा भी आपने उनको पुल किया तो उन पैचेस पर जो बाल है वो तुरंत ऐसे गुच्छों के फॉर्म में निकल आते हैं। मतलब पूरी तरह से फंगल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, टीनिया कैपिटस से आपके स्कैल्प में होता है ये, और शरीर के अन्य पार्ट में अन्य प्रकार के जो फंगस रहते हैं उनसे रिंगवर्म के पैचेस शरीर के अन्य भागों पर दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा ये जो टॉपिक है कि रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प जिसकी वजह से होने वाला हेयर फॉल, इसीलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे कि टीनिया कैपिटस नाम के फंगस से आपके स्कैल्प पर बाल्डनेस के सर्कुलर शेप के पैचेस पड़ते हैं, वहाँ के आपके बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं।
फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे जब भी ये इन्फेक्शन आपको होता है तो इनमें मेनली कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, लक्षणों में जैसे आपके स्कैल्प पर एक या दो से ज़्यादा आपके सर्कुलर शेप के, कॉइन शेप के या रिंग शेप के पैचेस आपको अपने स्कैल्प पर दिखाई देते हैं। नंबर दो पर आता है इन स्कैल्प की जो स्किन रहती है वो स्केली स्किन रहती है और इस पर से हल्की सफ़ेद रंग की पपड़ी निकलना शुरू होता है। नंबर तीन पर आता है ये जो पैचेस रहते हैं, इन पैचेस के बाल आपके पूरी तरह से झड़ जाते हैं या बहुत बार टूटे हुए बालों के ही छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स इन पैचेस पर आपको अक्सर दिखाई देते हैं। पैचेस पर कभी कभी हल्की रैश रहती है जिसकी वजह से वहाँ पर खुजली भी रहती है इन पैचेस पर बहुत बार। नंबर चार पर आता है बहुत बार ये जो आपके पैचेस रहते हैं ये हल्के लाल रंग के या गुलाबी रंग के पैचेस रहते हैं और इनका इन पर ग्रे कलर के टूटे हुए बालों के डॉट्स दिखाई देते हैं। नंबर पाँच पर आता है जब भी ये रिंगवर्म इन्फेक्शन एकदम सीरियस फॉर्म में होता है या बहुत डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आपके स्कैल्प पर जो पैचेस रहते हैं रिंगवर्म इन्फेक्शन के, तो वो आपके पैचेस एकदम बहुत ज़्यादा पेनफुल और इन्फ्लेमेशन लिए हुए रहते हैं। मतलब इन पैचेस में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेनफुल और सूजन लिए हुए पैचेस रहते हैं, इसलिए ऐसे फूले हुए दिखाई देते हैं, मोटे मोटे पैचेस आपके स्कैल्प पर दिखाई देते हैं। इसीलिए जब भी इन पैचेस को आप टच करेंगे, मोटे पैचेस को, तो ये टच में एकदम आपको ऐसे सॉफ्ट फील होंगे और ऐसे मोटे इन्फ्लेमेशन वाले पेनफुल ये जो पैचेस रहते हैं बाल्डनेस के आपके स्कैल्प पर, तो रिंगवर्म इन्फेक्शन के इन पैचेस को उस स्टेज में हम कहते हैं कि कैरियन। और कैरियन के इन पैचेस को जब भी आप हल्का सा भी टच करेंगे या अपने आप भी कभी कभी इन पैचेस में से पस तैयार होके पस निकलना शुरू होता है, कंटिन्यू या लगातार इसमें से पस निकलता रहता है, पस रिसता रहता है और ये निकला हुआ पस आपके पूरे स्कैल्प पर एक पीले रंग की थिक लेयर को तैयार करता है कैरियन के पैचेस में। मतलब कैरियन के पैचेस में निकला हुआ ये पस पूरे स्कैल्प पर ऐसी मोटी सी, ऐसी थिक एकदम येलो कलर की लेयर को तैयार करता है। और जब भी आपके स्कैल्प पर ऐसी येलो कलर की थिक मोटी सी ऐसी लेयर तैयार होती है तो आपके स्कैल्प पर जगह जगह पर स्कार्स तैयार होते हैं, घाव बन जाते हैं और आपके स्कैल्प के पूरे बाल परमानेंटली झड़ जाते हैं। मतलब यहाँ फिर से बाल दोबारा आपको नहीं निकलते अगर ये कैरियन के पैचेस बन गए हो तो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमने लक्षण देखे हैं। अभी हम देखेंगे कि रिंगवर्म इन्फेक्शन जब भी होता है तो जैसे हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करवाते ही है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ इसमें ये हाईली इन्फेक्शियस बीमारी होने की वजह से इसमें प्रिकॉशंस का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं होता तो घर के अन्य सदस्यों में इसका फैलाव ना हो, इसके लिए जिस व्यक्ति को भी ये बीमारी होती है उस व्यक्ति ने इस बीमारी में बहुत ज़्यादा उसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या लेनी पड़ती है ताकि ये अन्य सदस्यों को ना हो। ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप प्रिकॉशंस भी लेंगे, सही तरीके से लेंगे, तो ही ये बीमारी आपकी पूरी तरह से ठीक होगी और आपके सर पर, आपके स्कैल्प पर फिर से बाल निकल आएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि प्रिकॉशंस में हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर एक पर है, अगर आपको या आपके घर के किसी अन्य सदस्यों को अगर ये बीमारी हुई है तो इसमें सबसे पहले आपको अपने आसपास जितने भी लोग हैं या स्पेशली अपने घर के जो बच्चे रहते हैं उन सभी को इस रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प के बारे में पूरी तरह से उनको जानकारी देनी चाहिए कि किस तरह की ये बीमारी है, कितनी तेज़ी से एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलने वाली बीमारी है, इसे किस तरह से हमें बचा जा सकता है, ये पूरी पूरी डिटेल जानकारी आपको छोटे बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को देनी चाहिए। नंबर दो पर आता है अगर आपके घर में पालतू जानवर हो या पेट एनिमल्स हो तो महीने में एक बार रेगुलरली किसी अच्छे वेटरनरी डॉक्टर से उन जानवरों का आपको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए ताकि अगर जानवरों में ये इन्फेक्शन हुआ हो तो तुरंत उनका ट्रीटमेंट करवा सके आप और ये बीमारी आप जानवरों से आपके घर तक ना आ सके। क्योंकि बहुत बार घर में जिनके पेट एनिमल रहते हैं अक्सर छोटे बच्चों को उन पेट एनिमल के साथ खेलने की आदत रहती है, बच्चे अक्सर उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसीलिए ये बीमारी पेट एनिमल से ट्रांसमिट होकर छोटे बच्चों में आती है और बच्चों से फिर पूरे घर में फैलती है। इसीलिए बच्चों को हमेशा सिखाए कि पालतू जानवरों से ज़्यादा ना खेले या डिस्टेंस रखकर ही जानवरों के साथ रहे और जानवरों का अक्सर रेगुलरली हर महीने मेडिकल चेकअप करवाए। अपने बच्चे को आपको हमेशा सिखाना चाहिए कि रेगुलर हैंड वॉश करें, उनकी जो भी चीज़ें हैं अक्सर उन्हें नीट एंड क्लीन रखें
जो भीड़ वाली जगह होती है, जैसे कि स्कूल, जिम, हॉस्टल, चाइल्ड केयर सेंटर और स्कूल के जो लॉकर रूम है, उन्हें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये वही क्राउडेड प्लेसेस हैं जहाँ पर ये बीमारी बहुत तेज़ी से सभी बच्चों में फैलती है। इसीलिए ये क्राउडेड प्लेसेस वाली जो जगह है, इन्हें अक्सर क्लीन रखना चाहिए। बच्चों को हमेशा सिखाएं कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के जो पर्सनल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि उनके कपड़े, टॉवेल, हेयर ब्रशेस, हेयर कॉम्ब, पिलोज, बेडशीट आदि पर्सनल चीज़ों का दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी पर्सनल चीज़ें किसी दूसरे बच्चे के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे तक ना फैले। फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी ये बीमारी हो तो आपको और आपके घर के अन्य सदस्यों को, बच्चों को, सभी को आपको ट्रेन करना चाहिए, ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो, घर के अन्य सदस्यों में ना फैले, घर के आजू बाजू में अन्य जगहों पर भी ये बीमारी ना फैले। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर ट्रीटमेंट के साथ आपने सही तरीके से प्रिकॉशंस लिया तो ये बीमारी आपकी बहुत जल्द ठीक होगी और जहाँ के आपके बाल झड़े हैं सर पर, उस जगह पर फिर से आपके बाल निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, ये तो हो गई हमारी पूरी मॉडर्न साइंस की कंसेप्ट हो गई, कि मॉडर्न साइंस ने हमें क्या बताया, किन कारणों से होता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन कहा है मॉडर्न साइंस ने, से टीनिया कैपिटस से होती है ये बीमारी। मॉडर्न साइंस के अनुसार इसके लक्षण देखे हमने, कारण देखे, प्रिकॉशंस देखे। अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदा ने इसकी हमें कौन सी कंसेप्ट बताई है। तो फ्रेंड, आयुर्वेदा में रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प को बोलते हैं या कहते हैं ददरू। जब भी हमारे शरीर में किसी भी कारणवश वात और कफ दोष किसी भी कारणवश प्रकोपित होते हैं, तो ऐसे प्रकोपित कफ और वात दोष जब भी एक साथ मिलकर आपके शरीर के किसी भी स्थान पर जाते हैं, आप तो जिस जिस स्थान पर ये जाते हैं, तो वहाँ की स्किन में ये टॉक्सिन्स को तैयार करते हैं, और जहाँ पर ये टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, तो ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे कुछ ही दिनों बाद स्किन के एकदम डिपर लेयर में, एकदम अंदर अंदर तक चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर ये एक्यूमुलेट होते हैं, या टॉक्सिन्स वहाँ पर जाकर ये स्टोर होके रहते हैं, और बॉडी के जिस भी पार्ट में ऐसे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट या जमा हुए रहते हैं, स्किन की उस पार्ट पर रिंगवर्म इन्फेक्शन के सर्कुलर फॉर्म में गोलाकार शेप के पैचेस आपको दिखाई देते हैं। और जब भी ये प्रकोपित कफ और वात दोष आपकी स्कैल्प में जाता है, वहाँ की स्किन में जाके टॉक्सिन्स तैयार करता है, तो आपके स्कैल्प पर आपको सर्कुलर शेप के या रिंग शेप के पैचेस दिखाई देंगे, और उन पैचेस पर जो बाल है वो भी आपके पूरी तरह से झड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदा ने हमें इसके लिए कौन से कारण बताए, कि किन कारणों से ये बीमारी रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प या फिर जिसे ददरू कहते हैं, ये होते हैं। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा के अनुसार जो लोग विरुद्ध आहार या विरुद्धाशन लेते हैं, उन लोगों में अक्सर ये बीमारी देखने को मिलती है। विरुद्ध आहार मतलब जो आहार हमारे प्रकृति के विरुद्ध हो, ऐसे आहार का सेवन करने से यह बीमारी होती है। जैसे आयुर्वेदा में कुछ विरुद्ध आहार स्पेशली बताए गए हैं, जैसे कि दूध और मछली का एक साथ खाना, मछली खाने के बाद तुरंत केले का सेवन करना, या फिर दूध में नमक डालकर ऐसे नमक वाला दूध रोटी के साथ खाने से, या फिर खट्टे फलों को दूध के साथ लेना, ये सब विरुद्ध आहार में आता है। और ऐसा विरुद्ध आहार सेवन करने से कफ और वात दोष प्रकोपित होके रिंगवर्म इन्फेक्शन की ये बीमारी तैयार होती है। नंबर दो पर आता है, जैसे कि जो लोग ज़्यादा सी फूड का सेवन करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मछली आदि का सेवन करने वाले लोग, या जो भी सी फूड आते हैं उनका, जो लोग हफ्ते में 4 या 5 बार उनका सेवन करते हैं, या लगातार सेवन करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों में बहुत बार रिंगवर्म इन्फेक्शन देखने को मिलता है। या फिर जो लोग ज़्यादा नमक वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, बहुत खारे पदार्थों का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में भी रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प ये बीमारी अक्सर देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमने मॉडर्न साइंस के अनुसार और आयुर्वेदा के अनुसार कंसेप्ट देखी, कारण देखे, लक्षण देखे, प्रिकॉशंस देखे। अभी हम देखेंगे कि जब भी ये रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प आपकी ये बीमारी आपके स्कैल्प में लग जाती है, आपके बाल झड़ जाते हैं, उस वक्त आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ताकि आपके जो झड़े हुए बाल रहते हैं आपके पैचेस पर से, वो आपके बाल फिर से वापस आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस ने इसके लिए हमें कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी आपको बताया था, मॉडर्न साइंस के अनुसार ये एक फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी है, जो कि टीनिया कैपिटस नाम के फंगस से आपको होती है,
ये फंगस आपके स्कैल्प के कांटेक्ट में आने से आपके स्कैल्प पर रिंग शेप के पैचेस तैयार होते हैं, वहाँ की स्केली स्किन रहती है, डैंड्रफ निकलता है, थोड़ी खुजली रहती है, वहाँ के बाल पूरे झड़ जाते हैं, ये पूरे लक्षण रहते हैं। और जब भी ये फंगल इन्फेक्शन हो तो इसके लिए आपको हफ्ते में 3 बार किसी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू से आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से इन पैचेस पर आपको एंटी फंगल क्रीम्स आते हैं कुछ, उन एंटी फंगल क्रीम्स को आपको इन पैचेस पर लगाना चाहिए ताकि ये पैचेस आपके ठीक हो और वहाँ से आपके बाल फिर से निकलना शुरू हो जाए। ओरली आपको टैबलेट ग्रीसियो फलविन, टैबलेट टर्बिनाफाइन जैसी कुछ एंटी फंगल मेडिसिन्स रहती है, उन्हें 1.5 या 2 महीने तक लेना चाहिए ताकि ये फंगल इन्फेक्शन आपका पूरी तरह से ठीक हो। साथ में आपको प्रिकॉशंस भी लेनी है ताकि अन्य सदस्यों को ना हो और ये फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो, उसी के बाद आपके बाल फिर से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदा ने इसके लिए हमें कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प के लिए आयुर्वेदा ने हमेशा जो ट्रीटमेंट सुझाता है, आयुर्वेद हमेशा 2 तरीके से रहती है, एक तो एक्सटर्नली और इंटरनली। तो एक्सटर्नली जैसे हमने अभी आपको बताया था कि आपको हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश लेना है, किसी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू से आपको हेयर वॉश लेना है और हेयर वॉश करने के बाद आपको अपने स्कैल्प पर पानी में कुछ नीम के पत्ते उबालने हैं और जब ये अच्छी तरह से उबल जाए और ये पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी को आपको छान लेना है। और जब ये पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आफ्टर हेयर वॉश तुरंत आपको इस नीम के पानी को अपने स्कैल्प पर डाल लेना है। एवरी हेयर वॉश आपको इस तरह से नीम का पानी अपने स्कैल्प पर डालना है ताकि आपके स्कैल्प पर जो फंगल इन्फेक्शन हो, रिंगवर्म का जो इन्फेक्शन आपके स्कैल्प पर हुआ हो, वो फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाए। आयुर्वेदा के अनुसार नीम ये एक बहुत ही बेहतरीन एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि लोकली और इंटरनली दोनों तरीके से अच्छा काम करता है, इसलिए नीम का अक्सर ऐसी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए एवरी हेयर वॉश या हर बार बाल धोने के बाद आपको नीम का पानी अपने स्कैल्प पर डालना है ताकि ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए आपका और आपके बाल निकल आए। उसके बाद जब आपके बाल सूख जाए, आपका स्कैल्प सूख जाए, तो उस पर आपको गंधक मलम लगाना है। दिन में 3 या 4 बार गंधक मलम आपको इन पैचेस पर अच्छी तरह से लगाना है ताकि पैचेस आपके पूरी तरह से ठीक हो और वहाँ से आपके बाल निकल आए। क्योंकि गंधक मलम में जो सल्फर रहता है उसकी वजह से इन पैचेस में थोड़ा इरिटेशन होता है और वहाँ के पोर्स ओपन होते हैं, जो बाल रहते हैं उनमें ग्रोथ आती है और जल्दी से वहाँ से बाल आपके पैचेस में से बाहर निकलना शुरू होते हैं। इसलिए गंधक मलम बहुत अच्छी तरीके से इस बीमारी में काम करता है। अब इंटरनल मेडिसिंस में आपको लेना है टैबलेट आरोग्यवर्धिनी, सुबह 1 गोली, दोपहर 1 गोली और रात को 1 गोली। टैबलेट गंधक रसायन, सुबह 2 गोली और रात को 2 गोली खाना खाने के बाद लेना है। टैबलेट निम्बादी घनवटी, सुबह 2 गोली खाने के बाद और रात को 2 गोली खाना खाने के बाद लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है साइरप महामंजिष्ठादि काढ़ा, सुबह 30 ml खाना खाने के बाद और रात में 30 ml खाना खाने के बाद लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आयुर्वेदा के अनुसार या आयुर्वेदा की कंसेप्ट के द्वारा अगर आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो कुछ ही दिनों में, और साथ में प्रिकॉशन भी रखेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके सर पर ये जो बाल्डनेस के पैचेस रहते हैं, रिंगवर्म इन्फेक्शन के पैचेस है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इन पैचेस में से आपके बाल फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा है क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको इन्फेक्शियस डैंड्रफ के जो भी 3 प्रकार रहते हैं, जैसे कि सेबोरिक डर्माटाइटिस, रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑन स्कैल्प और सोरियासिस, इन 3 टाइप्स की पूरी पूरी डिटेल में जानकारी हमने आपको यहाँ पर दी कि मॉडर्न साइंस के अनुसार उसकी कंसेप्ट बताई, आयुर्वेदा के अनुसार उसकी कंसेप्ट बताई, इन दोनों साइंस में जो भी ट्रीटमेंट बताई है इन 3 इन्फेक्शियस डैंड्रफ के लिए, वो दोनों साइंस के अनुसार इसकी ट्रीटमेंट भी आपको बता दी ताकि किसी भी वजह से अगर आपके सर पर इन इन्फेक्शियस डैंड्रफ की वजह से बाल झड़े हो तो आपकी बीमारी ठीक होकर आपके सर पर फिर से बाल निकलना शुरू हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी किसी तरह से हेयर फॉल की समस्या हो या फिर वाइट हेयर की समस्या से अगर आप ग्रसित हो तो आप हमसे नीचे व्हाट्सएप में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी समस्या में हमसे सही सलाह पा सकते हैं।
तो फ्रेंड, किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे तुरंत ऑनलाइन कंसल्टेशन ले और अपनी समस्या में हमसे सही सलाह पा सके या सही सलाह पाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।